श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, लगातार इस पूरे मामले की जांच तेज होती जा रही है और एक बार फिर आफ्ताब के घर पुलिस तफ्तीश के लिए पहुंच रही। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस की जांच और तेज होती जा रही है और इसी कड़ी में वसई में रीगल बिल्डिंग के मालिक का बयान पुलिस ने दर्ज किया है। ये वही बिल्डिंग है जहां पर आफ्ताब का घर हुआ करता था। रीगल बिल्डिंग के फ्लैट में रहते थे श्रद्धा और आफ्ताब, और अब हर कोई जो इस मामले से जुड़ा हो सकता है या कोई भी अहम जानकारी आफ्ताब से जुड़ी या श्रद्धा से जुड़ी दे सकता है, उन सभी लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश पुलिस लगातार कर रही है और ऐसे सभी लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। आज आफ्ताब के दिल्ली वाले घर भी पुलिस पहुंची है। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस की जांच तेज होती जा रही है। एक बार फिर से क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा पुलिस की तरफ से ताकि छोटी छोटी बारीकियों को समझा जा सके। जिस तरह से उसने अपने बयान में बताया है क्या कुछ उसने किया, किस तरह से इस अपराध को अंजाम दिया, उसी की निशानदेही पर पुलिस एक एक कर कदम उठा रही है और जांच तेज होती जा रही है। लेकिन मुंबई में श्रद्धा आफ्ताब के दोस्तों से भी पूछताछ हो रही है। पारस मेरे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। पारस, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या बड़ा अपडेट इस खबर से जुड़ा? बिल्कुल मलिका, इस पूरे मामले में अब दिल्ली पुलिस जो है मामले को तेजी से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जहां जहां पर आफ्ताब और श्रद्धा रहे थे, जिस जिस सोसाइटी में रहे थे, जिस जिस अपार्टमेंट में वो रहे थे, वहां पे जो ओनर है घर के उनको यहां पे बुलाया जा रहा है। वहीं सबसे महत्वपूर्ण आज दो लोगों का स्टेटमेंट जो है यहां पे दर्ज कराया गया है। जो वस्ती का क्राइम ब्रांच है वहां पे दिल्ली पुलिस रुकी हुई थी, दो महत्वपूर्ण लोगों का स्टेटमेंट दर्ज कराया गया है। एक है जो यूनिक पार्क में जहां पे आफ्ताब का परिवार रहता था, जो 20 दिन पहले वहां से शिफ्ट हो गया था, उनकी सोसाइटी के जो सेक्रेटरी थे उनको यहाँ पे बुलाया गया और उनका बयान जो है वो दर्ज किया गया है। वैसे ही बहुत सारे दूसरे भी लोग हैं जहाँ पर आफ्ताब और श्रद्धा रहते थे, उन रूम के ओनर्स को बुलाया जा रहा है, सोसाइटी के अलग अलग लोगों को बुलाया जा रहा है और उनका स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। क्योंकि क्या क्या पूरे सिचुएशन थी, जो 3 साल थे उन 3 साल में आफ्ताब और श्रद्धा ने 3 कमरे बदले थे, तो उस समय क्या क्या चीजें होती थी, क्या क्या सारी चीजें जो है रूम ओनर्स को पता है, आसपास के लोगों को पता है, तो ये समझना बेहद जरूरी है। इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस हर वो चीज कर रही है जिससे इस केस को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके और जो मिसिंग कड़ियां हैं वो मिसिंग कड़ियों को जोड़ा जा सके। कल जब हमने देखा कि जितने भी श्रद्धा के दोस्त थे, जितने भी लोग कह रहे थे कि श्रद्धा हमारे साथ कनेक्शन में थी, जैसे उनके कॉल सेंटर के मैनेजर थे, उनका बयान जो है वो तकरीबन 1.5 घंटे तक दर्ज किया गया। उनके दोस्त हैं श्रद्धा के, गॉडविन हो या फिर राहुल हो, उनको दिल्ली पुलिस ने यहाँ बुलाया था। बुलाने के बाद कम से कम 1.5-2 घंटा उनसे पूछताछ की गई, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया गया और आज भी यही सिलसिला जो है वो चलता रहेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस कड़ी जोड़ना चाहती है और इसी के लिए सारे लोगों को यहाँ बुलाया जा रहा है। और भी लोगों के आने की संभावनाएं जो है अब बढ़ गई है और बाकी सारी चीजें जो है वो दिल्ली पुलिस जल्द से जल्द जो है वो करना चाहती है, जिससे मामले में जो है जो टूटी हुई कड़ियां हैं, जो टूटी हुई कड़ियां हैं वो जुड़ जाए। मलिका, बिल्कुल पारस, और देखिए पूरे देश की निगाहें इस खबर पर टिकी हुई हैं क्योंकि हर कोई यही चाह रहा है कि श्रद्धा को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और ये भी समझने की कोशिश हो रही है कि आफ्ताब शक्ल उसकी इंसान की, लेकिन उसके पीछे जो उसकी हैवानियत थी उसकी क्या वजह, क्या कारण रहे हैं, समझने की कोशिश हर कोई करना चाहता है। लेकिन ये आप दर्शकों को बताइए कि दिल्ली में ये क्राइम होता है लेकिन अब इसके तार जुड़कर जो मुंबई में पहुंचे हैं, मुंबई की इन्वेस्टिगेशन कितनी अहम हो जाती है? जी मलिका, मुंबई से सबसे महत्वपूर्ण कड़ियां जो है वो दिल्ली पुलिस को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आफ्ताब दिल्ली पुलिस को गुमराह कर रहा था और चीजें जो है वो सही तरीके से आफ्ताब अभी भी नहीं बता रहा है, ऐसे में शुरुआत जो है इस पूरे मामले की वसई से ही हुई थी। अगर वसई पुलिस रुसल की कंप्लेन नहीं लेती और इस पूरे मामले में जांच शुरू नहीं करती तो शायद ये मामला बाहर नहीं आता। तो ऐसे में वसई पुलिस, जो पालघर पुलिस हम कहते हैं, वो पूरी जांच में जो है वो जुटी हुई है। उन्होंने भी अलग अलग तरीके से अपनी टीमों को अलग अलग जगहों पर भेजा है और वहां पे वो तहकीकात पूरी जोरों और शोरों से कर रही है। ऐसे में जो पालघर पुलिस और
दिल्ली पुलिस है ये एक साथ मिलकर जो है इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से लोगों से बातचीत करने का सिलसिला लगातार 3 दिन से जारी है। जब से दिल्ली पुलिस मुंबई पहुंची है वैसे पुलिस उनके साथ मिलकर जो है लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है, लोगों को बुलाने में मदद कर रही है। जो लोग इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जो थे वो नहीं मिल पा रहे थे, उनको भी जो है वो बुलाया गया, बुलाने के बाद उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार जो है वो वसई पुलिस का रहा है, पालघर पुलिस का रहा है, क्योंकि जिस तरीके से तब मिसिंग की कंप्लेन यही रजिस्टर हुई थी और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया और दिल्ली तक पहुंचा। दिल्ली में एफआईआर होती है, दिल्ली में एफआईआर होने के बाद ये पूरा जो मामला है श्रद्धा मर्डर केस वो बाहर आता है। तो वसई पुलिस और पालघर पुलिस मिलकर दिल्ली पुलिस के साथ इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है, वो भी जल्द से जल्द। जी,